हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शेयर पे बात करेंगे और काफ़ी PSU का अच्छा बैंक है ये, काफ़ी रिटर्न ये दे चुका है। पहले ये 22.95 पैसा के ट्रेड कर रहा था और ताकि इस पर मैंने इसका डिलीवरी बाई भी किया था, मगर मैंने सेल कर दिया 23.60 पैसा पर। और आज ये स्टॉक ये बहुत ऊपर गया, फिर मैंने 34 रुपये करीब पकड़ा, फिर 46 रुपये भी पकड़ा, फिर वहाँ पे गया 50 रुपये तो बेच के निकल गया। फिर देखिए नीचे स्टॉक ये आ चुका है, तो आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। PSU बैंक में सबसे बैंक यही अच्छा चलने वाला है, मगर इसके बदले PNB इनसे 3 रुपये ऊपर है, वैसा ही ये चलता रहता है। तो बस वीडियो में इतना ही, चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। और 2 से 3 मिनट या 4 मिनट का वीडियो रहता है, आप उसे वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसके बात करेंगे। तो चलिए यहाँ से ही हम आपको दिखाते, देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 44.10 पैसे पर यहाँ पे देखिए इसका क्लोजिंग है। और देखिए यहाँ पे बैर लगे हुए 44.10 पर, यह ध्यान में रखिएगा। इसका देखिए 46.45 से इसका ओपन हुआ है, 46.45 यही हाई बनाया है, और 43.80 का इसका लो है, और 46.15 का इसका क्लोजिंग है, आप ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर आगे हम चलते हैं, इसका स्टॉक डिटेल की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वही हाल है, मतलब सब ये क्लोजिंग प्राइस देखिए 46.15 है, मगर 44.15 यहाँ पर है, ये उस दिन के हिसाब से है। और यहाँ पे ATB देख लीजिए 45.06 है, वैल्यू बहुत तगड़ा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1,38,78,295 शेयर पे ये वैल्यूम लगा हुआ है। देखिए लोअर सर्किट से 36.95 है और अपर सर्किट 55.35 है। कभी भी स्टॉक अगर 20% के ऊपर ये भागा और जहाँ मोमेंटम इसका लिया तो इसको कोई नहीं रोक सकता है। देखिए यहाँ पर 27.20 पैसा इसका लो हो गया है, इसका जब ये लो बनाया तो इसका ऊपर चला गया, इसका 52 का हाई देख लीजिए 54.80 पैसा है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। और इसकी फंडामेंटल की बात करेंगे तो बहुत बढ़िया है इसका, देखिए क्वालिटी देखिए ब्लू एवरेज है, यहाँ पर देखिए वैल्यूशन अट्रैक्टिव है, हाइसर ट्रेड देखिए पॉजिटिव है। और देखिए यहाँ पर नीचे आइए, हम आपको दिखा रहे हैं स्टॉक, देखिए स्टॉक 1 साल में 38% दिया है, जिसे म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत बढ़िया रहती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में अगर 12 से 14% मिल जाता है तो हम लोग को काफ़ी अच्छा रिटर्न मांगते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बता देना चाहता हूँ, देखिए यहीं पर सेक्टर ने 62% की रिटर्न दिया है, सेंसेक्स ने 21% का दिया है। म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट ही में इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न देते हैं, अपने घर से कोई नहीं देता है। यहाँ पे देखिए PSU बैंक है, पब्लिक बैंक सेक्टर है, देखिए इसका मार्केट कैप 32,000 करोड़ है, ठीक है। अभी इस बैंक ने अभी डिविडेंड यहाँ पर शो नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे और आइए, इसका प्रमोटर होल्डिंग देख लीजिए, तकरीबन 84% के आसपास है, म्यूचुअल फंड की भी हिस्सेदारी 1% के आसपास है, और इंश्योरेंस कंपनियों का 0.5% के आसपास है। तो यहाँ पर देखिए और हम लोग इन्वेस्टर करने वाले हैं तो 8% के आसपास है, आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो बस मैं ये कहूँगा कि आप लोग से कि इसमें अच्छा से अच्छा आप ट्रेड लेकर चाहे अर्न कर सकते हैं, आप यहाँ पर फ्रेश पाई पोजिशन लगा सकते हैं, आप मतलब कि यहाँ पे 44.10 से 43 रुपये खरीद सकते हैं, 40 का स्टॉप लॉस लेकर और 45 और 47 के आप सेल टारगेट लगा कर अच्छे खासे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर 1,000-2,000 क्वान्टिटी अगर लेंगे तब तो कमाएंगे, अगर 100-200 लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे डिमेट चार्ज लग जाएगा। वहाँ पर अगर एंजल में आप ट्रेडिंग करते हो तो डिलीवरी चार्ज 0 रहेगा, मगर और किसी जाएंगे तो 3 पैसा 30 पैसा 10 पैसा डिलीवरी चार्ज ऐसे ही रहता है। तो एजुकेशन के पर्पस वीडियो था, अपना एनालिस्ट करके पैसा सोच समझ के मार्केट में लगाइएगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को, ऐसे ही आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।